नमस्कार दोस्तों, टिकिन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीवीसी आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करते हैं ये हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है फिर भी आप पीवीसी आधार आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पर गूगल में टाइप कीजिए UIDAI। इसके बाद फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड पर यहाँ पर आप चेकमार्क लगा सकते हैं। यहाँ पर चेकमार्क लगाने के बाद आपको नया मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारे आधार कार्ड से हमारा मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करता हूँ, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पर अपना OTP एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से चेक मार्क लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका आधार का सारा डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना है तो यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा तो आप इनमें से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम UPI से पेमेंट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर UPI पर क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास फ़ोनपे है तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे से पेमेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर फ़ोनपे का UPI ID एंटर कर देना है। UPI ID एंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर फ़ोनपे में 50 रुपीज़ का नोटिफिकेशन आ चुका है तो यहाँ से हम पे कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा 50 रुपीज़ का पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, यानी हमारा PVC आधार कार्ड सक्सेसफुली ऑर्डर हो चुका है। 10 से 15 दिनों के अंदर आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको आपका CRN नंबर शो करेगा। इस CRN नंबर से आप अपने आधार कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।